साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन एक बार पुनः आ चुका है इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मेरे दोस्तों, बीटीएससी 10700 एएनएम की अभी यहां पर ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि स्कूटनी के लेकर के एक यहां पर रिजल्ट जो जारी किया गया है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेटों का कहना है कि स्कूटनी रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है। अब क्या सच में ये स्कूटनी रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है, या फिर आपको समझने में फेर हो रही है, या फिर आपको समझने में यहाँ पर अच्छी तरीके से जानकारी नहीं आ रही है, आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्या इस कारण से तो नहीं हुआ है आपका गड़बड़ी, हम आपको दिखा दूं कि अधिक मार्क वाले कैंडिडेट का भी, यहाँ पर ऐसा कैंडिडेट है जिसका मार्क अधिक है फिर भी वहाँ पर उसका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, जिस कारण से ये रिजल्ट शो नहीं कर रहा है उसका भी मैं कारण बताऊंगा। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रूप से आप लोग इस वीडियो पर बने रहे, मैं आपको एक एक करके जानकारी दूंगा और इसे किस तरह से सही होगा और किस तरह से आप लोग को लिस्ट में नाम आ सकते हैं पूरा डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे साथियों, आप लोग इसे गौर से देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पर देखे हैं कि इस तरह से आप लोग रिजल्ट चेक किए होंगे, इसे देखिएगा गौर से, बिल्कुल रूप से। यहाँ पर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है इसका, यहाँ पर एप्लीकेंट नेम दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे नीचे तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, और रिजर्वेशन कैटेगरी BC बैकवर्ड क्लास है। तो आपने यहाँ पर कैटेगरी भी देख लिया कि ये BC कैटेगरी का है, मूल रूप से कैटेगरी ही आपको देखना है। साथ ही दोस्तों, इसमें नीचे आइएगा तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए इसका टोटल मार्क, टोटल मार्क यहाँ पर दिखेगा तो 49.374 लिखा हुआ है, ठीक है, 49.374 लिखा है, आपने देख लिया। पुनः मैं दिखा देता हूँ इस कैंडिडेट का, इस कैंडिडेट का कैटेगरी देखेंगे तो BC बैकवर्ड कैटेगरी क्लास में आता है, और यहाँ पर इनको देखेंगे तो 49.374, और टोटल मार्क देखिएगा तो यहाँ पर 49.374 दिए गए हैं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस नहीं लगाए थे इसलिए एक्सपीरियंस का मार्क नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इनको ANM में मार्क होंगे तो ANM का मार्क यहाँ पर पॉइंट बना करके दे दिए गए हैं। और मैं एक और दिखाता हूँ, इसको अगर आप लोग देखिएगा तो इस कैंडिडेट को भी आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है, मैं इसमें भी सारा चीज़ आपको दिखा देता हूँ। इसका भी देखिएगा, इसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, आपने ये देख लिए, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सारा कुछ लिखा हुआ है, और इसमें भी ध्यान से अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो रिजर्वेशन कैटेगरी BC बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी बैकवर्ड क्लास है, आप लोग गौर से देखिए, इसमें भी बैकवर्ड क्लास है, और आपको पिछले वाला मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हूँ, इस चीज़ को देखेंगे तो इसमें भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पर बैकवर्ड क्लास दिया है, दोनों का बैकवर्ड क्लास दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि 49.374 है, और इसमें यहाँ पर 49.374 है, और इसमें क्या कहा गया है कि स्कूटनी में मेधा में नीचे अंक होने के कारण आपको ऑनलाइन आवेदन में जो दिया गया था वो विवरण दिखाया गया और आपको स्कूटनी में नहीं किया गया, क्योंकि नीचे जो मेधा अंक होगा, मेधा मेरिट लिस्ट के जो अंक दिए गए हैं, स्कूटनी वाला मैं बात कर रहा हूँ, तो स्कूटनी के लिए सिर्फ, तो इसमें आपका नहीं होने के कारण यहाँ पर ये दिखाया गया, लेकिन इसमें क्या है, इसका देखिए सिर्फ 47 मार्क है, 47 पॉइंट है, और इसमें क्या है 49 पॉइंट है ना, यहाँ पर दोनों चीज़ देखिए 49 पॉइंट है, कैटेगरी भी इसका क्या है तो BC है, इसका कैटेगरी भी यहाँ पर देखेंगे तो BC कैटेगरी है और 49 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो सेम चीज़ है, इसमें क्या है कि BC कैटेगरी है और इसमें 47 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट इसका कम है, फिर भी इनको मान्य कर दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, अब आप लोग सोचते होंगे कि मेरा मार्क अधिक है, इनका मार्क कम है, फिर भी यहाँ पर मान्य क्यों किया गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका रिमार्क लिखा हुआ है, यहाँ पर रिमार्क लिखा हुआ है। अब रिमार्क में क्या लिखा हुआ है कि अब यात्री द्वारा अपलोड किया गया कार्य अनुभव प्रमाण पत्र ANM के वैकल्पिक टीकाकर्मी होने के कारण कार्य अनुभव का अंक दे नहीं है, यानी दोस्तों इसलिए इनका रिजल्ट यहाँ पर शो कर दिया गया है, चूँकि ये क्या किए होंगे, फॉर्म भरने टाइम में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाती हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है किसका, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है, अपलोड किया गया जो डॉक्यूमेंट था वो टीकाकर्मी होने का कारण टीकाकर्मी थे, इसका एक्सपीरियंस ये लगा दिए। अब आप लोग खुद सोचिए, एक्सपीरियंस जैसे ही लगाएगा तो सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, इसके अंक को जोड़ देंगे, अब इसको अंक जब जोड़ा गया तो इनका मार्क बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से इसे क्या किया गया, दिखा दिया गया कि आपका रिजल्ट में नाम आ चुका है, स्कूटनी में आपका मेधा सूची में नाम आ चुका है, लेकिन इसे एक बार मौका दिया गया कि आप इसमें आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं कि नहीं, ये अगर आपत्ति दर्ज करते हैं और इसमें अगर इसका आपत्ति सही निकलता है, सब कुछ सही निकलता है, तो इनके मार्क बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद इसमें मेरिट लिस्ट में नाम आ सकते हैं, सॉरी यहाँ पर काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ सकते हैं। लेकिन इस स्टूडेंट ने क्या किया है कि इसका तो कुछ नहीं था, मार्क ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसने एक्सपीरियंस नहीं लगाया,
गौर से समझिएगा, इसने एक्सपीरियंस नहीं लगाया था, सीधे ऐसा ही था तो इसका इतना पॉइंट बन गया, लेकिन क्या किया इसने एक्सपीरियंस लगा दिया था। जब एक्सपीरियंस तो लगाया तो मार्क तो बढ़ गया, बढ़ने के कारण इसमें तो सेलेक्टेड कर लिया गया, लेकिन इसको रिमार्क कर दिया कि आप इसको इसके बारे में बताइए कि आपने एक्सपीरियंस कैसे दिया था जिसके कारण से इसका मार्क बढ़ा है और इनका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि घबराने की जरूरत नहीं है कि इनका ज़्यादा मार्क आ गया क्यों आया मेरा नहीं है, ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, डिपार्टमेंट भी कोई गलती नहीं की है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो यहाँ पर एनएम का एक्सपीरियंस का मार्क ऐड किया था इसलिए आ चुका था, क्योंकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया किए हुए हैं। इसलिए दोस्तों ये अभी ऑब्जेक्शन करा रहे हैं, ऑब्जेक्शन के बाद पुनः देखा जाएगा कि सच में इस कैंडिडेट को दिया जाना चाहिए या फिर इस कैंडिडेट को दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका मार्क कम है फिर आपका नहीं हुआ, न ही इसमें अभी किसी तरह से यहाँ पर कोई धांधली या फिर कोई गड़बड़ी नहीं किया गया है, आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस का मार्क जब ऐड होगा तो आपकी भाई की सॉफ्टवेयर इसको ज़्यादा कैच करेगा, जल्दी पकड़ेगा, मेरिट लिस्ट में इसका काउंसलिंग जो होगा स्कूटनी वाला जो रिजल्ट है उसमें नाम ऊपर रखेंगे, इसीलिए इन कैंडिडेटों का ऊपर रखा गया है और इनमें मार्क अधिक होने के कारण इसमें नीचे रखा गया। लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट और पढ़ना है, स्कूटनी के पश्चात उक्त विवरण में संशोधन संभावित है, यानी अभी सिर पर सिर्फ स्कूटनी लिया जा रहा है, स्कूटनी के माध्यम से जिसका गलती हुआ है उसको सही करने के लिए यहाँ पर मौका दिया गया, उसके बाद स्कूटनी वाला जब आपत्ति वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट कर देंगे जिनको जिसको करना होगा आपत्ति, उसका पुनः देखा जाएगा कि किन कैंडिडेटों को काउंसलिंग लिस्ट में, किन कैंडिडेटों को काउंसलिंग लिस्ट में नाम देना है, किन कैंडिडेट को नहीं देना है, क्योंकि अभी बहुत कम मार्क है फिर भी उनको दे दिया गया चूंकि वो एक्सपीरियंस लगा चुके थे। इसीलिए ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल रूप से नहीं घबराएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, ना कोई यहाँ पर कुछ हुआ है, इसलिए घबराएंगे नहीं। अभी जब तक काउंसलिंग का लिस्ट नहीं आ जाता है तब तक इसमें कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। स्कूटनी के पश्चात विवरण में संशोधन संभावित है तो आप धैर्य रख सकते हैं, कल हमने आपको ये भी बताए थे बिल्कुल रूप से कि 2 से यहाँ पर 4% का चांस है कि जिनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है यानी कि स्कूटनी में मेधा सूची में नाम नहीं दिया है वो घबराइए नहीं, ये काउंसलिंग का लिस्ट नहीं है, काउंसलिंग का लिस्ट आएंगे, क्योंकि 3 गुना से ज़्यादा कैंडिडेटों का स्कूटनी किया गया, स्कूटनी उसी कैंडिडेट को किया गया है जिनमें कुछ गड़बड़ियाँ मिली है, जैसे कि आपत्ति के लिए बहुत सारा कैंडिडेट क्या है कि डिसक्वालीफाई कर दिया क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही सही से अपलोड नहीं किए थे, बहुत कैंडिडेट ऐसा क्या है कि जो NCL जमा नहीं किए थे उसको जनरल में कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ों के लिए ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। अभी ऑब्जेक्शन पर आप लोग ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्शन करिए और किसी तरह से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों के लिए नया नया जो कोई यहाँ पर जानकारी मिलती है उसको कवर कर रहा हूँ और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर BC कैटेगरी होने के बाद मैं फिर वही बात बता दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस ये ऐड कर दिए हैं लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पर टीकाकरण होने के कारण इसका मान नहीं किया गया है, इनका अंक नहीं दिया गया है, ये ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन के बाद अगर सही निकलेंगे तो बिल्कुल रूप से इस कैंडिडेट को रखा जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल रूप से जिन कैंडिडेटों का मार्क अच्छा होगा जिनका अधिक अंक होंगे उनको रखा जाएगा। तो अब आप लोग शायद समझ गए होंगे और बिल्कुल रूप से भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रूप से। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपको सारी जानकारियाँ से मिल गए होंगे। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नई वीडियो तुरंत ही लेकर के आऊँगा और आप अपना कमेंट राय जरूर लिखिएगा इस वीडियो के माध्यम से और कन्फ्यूजन शायद अब आपका दूर हो गया होगा, बिल्कुल रूप से। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ, थैंक यू।